छिपकली सभी के घरों में होती है, लेकिन बहुत सारे लोग इस बात के बारे में नहीं जानते हैं कि छिपकली हमेशा ही बुरे समय के बारे में या फिर अच्छे समय के बारे में संकेत देती रहती है। कई बार लोग इसे देखकर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन आपको बता दें कि छिपकली कई प्रकार के संकेत, अगर किसी घर पर किसी के जीवन पर बुरा समय आने वाला होता है तो छिपकली बुरे समय के बारे में बता देती है। इसी प्रकार अगर अच्छा समय आने वाला होता है तो उसके बारे में भी छिपकली पहले ही संकेत दे देती है, और बहुत सारे लोग जानकारी के अभाव में इन्हीं संकेतों को पहचान नहीं पाते हैं। जबकि अगर किसी को धन की समस्याएं होने वाली होती हैं या फिर अचानक से धन प्राप्ति होने वाला होता है तो उन समय में भी छिपकली पहले ही संकेत दे देती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि छिपकली किस प्रकार के संकेत देती है और कौन कौन सी चीज़ों को आपको करना चाहिए जिससे माता लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे और अचानक से धन प्राप्ति के योग आपके जीवन में बन जाए। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके जय माता लक्ष्मी कमेंट बॉक्स में लिख दें जिससे माता लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि पुरुषों के बाएं अंगों पर और महिलाओं के दाहिने अंगों पर छिपकली गिरना अशुभ माना जाता है। वहीं दूसरी ओर पुरुषों के दाएं अंगों पर और स्त्रियों के बाएं अंगों पर गिरना छिपकली का शुभ होता है। जब भी छिपकली किसी अंग पर गिर जाती है तो उस स्थान को पानी से धो लेना चाहिए या फिर नहा लेना चाहिए, क्योंकि उसमें जहरीला पदार्थ होता है, और जब भी वह किसी के शरीर पर गिरती है तो जहरीले पदार्थ को छोड़ देती है। तो जब भी ऐसा होता है तो तुरंत ही आप उस स्थान को धो लिया करें। लेकिन कई बार अचानक से शरीर के किसी न किसी अंग पर छिपकली गिर ही जाती है, तो ऐसे में क्या संकेत मिलते हैं आप इनके बारे में जान लें। सबसे पहला तो ये है कि माथे पर छिपकली गिरने से धन मिलने की संभावना बहुत ही ज्यादा अधिक बढ़ जाती है। दाहिने कान पर छिपकली के गिरने से गहनों की प्राप्ति होती है, वहीं बाएं कान पर गिर जाए तो आयु में वृद्धि होती है। छिपकली का नाक पर गिरना भाग्योदय का संकेत होता है और मुख पर गिरने से स्वादिष्ट खाने की प्राप्ति होती है। यदि छिपकली बाएं गाल पर गिरे तो पुराने मित्र से भेंट होती है, और दाहिने गाल पर गिरे तो आयु में बढ़ोतरी होती है। गर्दन पर छिपकली गिरे तो इससे प्रसिद्धि प्राप्त होती है। दाहिनी आंख पर छिपकली का गिरना मित्र से भेंट का संकेत होता है। पीठ के दाहिनी ओर छिपकली का गिरना सुख की प्राप्ति का संकेत है, और यदि छिपकली दाहिने कंधे पर गिर जाए तो ये जीत हासिल संकेत करता है। हाथ के दाहिनी ओर छिपकली का गिरना शीघ्र लक्ष्मी प्राप्ति होना माना जाता है। छिपकली का सीने के दाहिने भाग पर गिरना खुशियों के आगमन का संकेत माना जाता है। यदि छिपकली पेट पर गिरे तो गहनों की प्राप्ति होती है। कमर के मध्य छिपकली के गिरने से धन लाभ होता है, और नाभि पर गिरे तो इच्छाएं पूरी हो जाती है। छिपकली के दाहिने जांग पर गिरने से सुख मिलता है, और दाहिने घुटने पर छिपकली के गिरने से यात्रा का मौका मिलता है। दाहिने पैर पर छिपकली गिरना यात्रा लाभ देता है। अब आप ये भी जान लें कि किन संकेतों से अनहोनी छिपकली दर्शाती है। सबसे पहला है, बालों पर छिपकली का गिरना मौत आने का संकेत माना जाता है। बाईं आंख पर गिरने से शीघ्र बड़ी हानि का सामना करना पड़ सकता है, और पीठ के मध्य छिपकली गिरने से घर में विरोध उत्पन्न होता है। छिपकली बाईं और कंधे पर गिरने से दुश्मन बहुत ज्यादा अधिक बढ़ जाते हैं। अब दोस्तों, आपको बता दें कि छिपकली सभी के घरों में होती है, तो ऐसे में कौन कौन से प्रयोग किए जाने चाहिए जिससे अचानक से धन प्राप्ति के योग बन जाते हैं। तो सबसे पहला है, जब भी आपको छिपकली दिखाई देती है तो छिपकली को देखते ही उस पर आपको सिंदूर फेंकना चाहिए। सिंदूर को फेंकते हुए आपको ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करते हुए सिंदूर अगर आप छिपकली पर फेंकते हैं तो इससे अचानक से धन प्राप्ति के योग बनते हैं। इसी प्रकार इसी मंत्र का इस्तेमाल करते हुए अगर आप चावल छिपकली पर फेंकते हैं तो इससे रुका हुआ धन वापस आने के योग बनते हैं। शास्त्रों में छिपकली को महालक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है, तो अगर आप छिपकली को देखते हुए अचानक से ही यह प्रयोग कर देते हैं तो इससे अचानक से धन प्राप्ति के योग बनते हैं और रुका हुआ धन वापस मिलता है। इस खास जानकारी को अन्य लोगों के साथ भी जरूर शेयर कर दें जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।